बहुत बढ़िया सही, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। एक बात है मुकेश की वॉइस में, जी मुकेश की वॉइस बिल्कुल ही डिफरेंट है। जी हाँ बिल्कुल, मुकेश की वॉइस में सबसे अच्छी चीज है कि खारिज है, बिल्कुल बेस है उनकी। अभी आप एक चीज नोट करें ना, किशोर कुमार उसका अल्टरनेट आया इंडिया में कुमार सानू, मतलब कुछ कुमार सानू जब गाता है तो लगता है कि किशोर का टच आ रहा है कहीं कहीं पर, ठीक है। फिर रफी साहब तो फिर उनका अल्टरनेट कुमार, ये अपना सोनू निगम वो भी गाते हैं। आज तक कोई मुकेश का अल्टरनेट नहीं आया। हाँ ये आपने बिल्कुल अच्छी क्योंकि बात, ये यूनिक वॉइसेस होती हैं। हाँ फिर इनकी जो है ना सॉन्ग में सबसे अच्छी चीज़ ये राग रागनियों पे, बिल्कुल बिल्कुल, खैर सारे गाने राग रागनियों पे ही बनते हैं लेकिन इनके गानों में सुर का उतार चढ़ाव बिल्कुल बहुत बहुत, और इनके तो कुछ गाने इतने डिफिकल्ट हैं जी हाँ, कि मैं एक बात आपके हवाले से ही बताता चलूँ कि माशाल्लाह से आपने मुकेश को ही आज सिलेक्ट किया है, तो मेरे वाले साहब को भी मुकेश अच्छा, बहुत पसंद अच्छा, था। उनकी वॉइस क्वालिटी में भी मुकेश का थोड़ा थोड़ा सा टच आता था ना जी, जी। तो मैं जब उनको कॉपी करता था क्योंकि मैंने मुकेश नहीं सुना था, मैं वाले साहब को सुनता था तो मुझे पता चलता था यार ये आवाज़ अच्छी है जी, बिल्कुल। तो फिर मैं नहीं गा सकता था मुकेश को, अच्छा क्योंकि एक होता है ना कि जो इंसान की जो वॉइस है वो उसी वॉइस पे चले। माशाल्लाह से आपने भूली हुई यादें मुझे इतना ना सताओ, अब इसी राग में एक और भी गाना है सारंग तेरी याद में, क्या बात है। नेक्स्ट मतलब वो आ रहा है इंशाल्लाह, बहुत तेजी से वो आ रहा है कि अभी वो सार क्या क्या गाना है, सारंग तेरी याद में, सारंग तेरी याद में। दोस्तों परवेज बशीर साहब असा सा गड है, दिसो पानी पियो गानो बुधाय छरे, तो हाँ नेक्स्ट गानो ही तो बुधाय छो, तो मुखा वधिक एक्साइटेड हुआ शायद, तो चवंदा तो बस गालियों घट कजे नहीं, सिर्फ ही सिर्फ मुकेश के बुधजे, तो असी चाहिंदा थी तो इयां ही थे। तहां वणो ब्रेक वठी जो एकड़ो ब्रेक यो टाइम थी वियो था ब्रेक। नैनो हुए बेचैन ओ मदर तुम्हारे मिलन बिना, दिन कटते नहीं रे ओ सारंगा तेरी याद में, नैनो तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं है ओ सारंगा तेरी याद में। झूलना वो भी पलकी